नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जबलपुर, हिंदू विक्रम संवत 2080 एवं चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ पर नारायणी सेना जबलपुर महानगर द्वारा एक विशाल मंगल कलश यात्रा निकालेगी। संबंध में नारायणी सेना ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें बताया गया कि इस शोभा यात्रा को भव्य बनाने में जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन एवं प्रसिद्ध बैंड एवं कई प्रकार के आयोजन होंगे। यह यात्रा दमोह नाका से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्ग से होते हुए मिलोनीगंज में समाप्त होगी। आगामी कार्यक्रम नारायणी सेना परिवार का जो है वह 22 तारीख को हिंदू नववर्ष चैत्र प्रतिपदा के उपलक्ष्य में एक विशाल मंगल कलश यात्रा, वर्षों से संस्कारधानी में ये दिव्य शोभा यात्रा अपने एक बड़ा ही विराट स्वरूप एक स्थान प्राप्त को आगे बढ़ाते हुए हम नारायणी सेना परिवार जो सकल हिंदू राष्ट्र की कामना बीच में समापन होगी। इसी क्रम में हमने शहर के समस्त हिंदू संगठनों को आह्वान किया, साथ में शहर के समस्त और जो भगवान श्री राम को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी भक्तगण थे उन सभी को हमने आह्वान किया है। और भैया अंदर आओ ना, अंदर जी। चैत्र नवरात्र के इस पावन अवसर पर नारायणी सेना जबलपुर महानगर द्वारा प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत विक्रम संवत 2080 को विशाल मंगल कलश यात्रा धर्म जागरण हेतु, हिंदू जागरण हेतु निकाली जाती है। यात्रा हितकारिणी दमोनाका से प्रारंभ होकर सहन के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस श्याम टाकिज मालवी चौक से पुनः उसका समापन जो होगा वो मिलोनीगंज चौराहे पे होगा। इस शोभा यात्रा में हमारे शहर के सभी सुप्रसिद्ध बैंड वादक, सभी सुप्रसिद्ध ढोल वादक और जितने भी संसाधन होते हैं हमारी शोभा यात्रा को विशाल और गर्मयमय बनाने के लिए सभी सम्मिलित होंगे। शहर के सारे हिंदू धर्म प्रेमी, सनातन प्रेमी, सारे गणमान्य नागरिक, विधायक, पार्षद सभी हमारी इस यात्रा में शामिल होंगे और सभी को बहुत बहुत शुभ मंगल कामना इस मंगल कलश यात्रा के लिए। सभी हिंदू धर्म प्रेमियों से मेरा निवेदन है कि अपने अपने घरों पर एक भगवा ध्वज इस नववर्ष जो हिंदू नववर्ष है इस पर अपने घर में जरूर उसको लगाएं और अपने हिंदू होने पर अभिमान करें, सबको प्रेरित करें। जय माता दी, जय श्री राम। मनोज जायसवाल, उपाध्यक्ष नारायणी सेना महानगर जम्मू। विशालता तो ऐसा है कि हर वर्ष सब लोग कहीं कहीं प्रयास करते हैं कि हिंदू समाज को जगाने में किसी प्रकार की कोई कसर बाकी ना रहे, और अब वो समय आ भी गया है। विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है नारायणी सेना महानगर के द्वारा जो है एक भव्य शोभा यात्रा हिंदू नववर्ष वर्ष प्रतिपदा और नवरात्रि के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है, जो कि विगत वर्षों से निकलती चली आ रही है। इस वर्ष भी जो है उसमें बाहर के हल्लों की थी कि इस बार बाहर की भी फिर से ढोल बुलवाए जाएं, पर कुछ कारणवश जो है वहाँ की पार्टी आने तैयार नहीं, तो अपने नगर के जो कहीं ना कहीं वो ख्याति प्राप्त है जो यहाँ के श्याम बैंड, विशाल बैंड और ऐसे और भी ढोल ताशा, धमाल पार्टी और दिलदल घोड़ी, जो कहीं ना कहीं हमारी जो एक नेचुरल व्यवस्था थी, जो दिलदल घोड़ी जो कहीं ना कहीं समाज से विलुप्त होती जा रही, उनको भी हमने बोला कि कम से कम उनको भी मौका मिले कि ऐसे कार्यक्रम में और लोग उनको कहीं ना कहीं उनको सम्मिलित करें अपने कार्यक्रम में, तो वो भी है। मतलब हर प्रकार से अपने इस कार्यक्रम को सजाने का अच्छा प्रयास किया है, उस जिसमें प्रमुखता से हमारी मातृशक्ति उसमें आकर्षण का केंद्र रहेंगी, वो भगवा साफा बांध करके और महाराष्ट्रियन बेस में भगवा ध्वज लेकर के, मंगल कलश लेकर के भगवा ध्वज मंगल कलश यात्रा की अच्छी शोभा यात्रा बढ़ाएंगी। विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी जो है पूरा वही रूट है हमारा, जो गोविंदगंज हितकाणी से प्रारंभ होकर के मिलोनीगंज सरापा कोतवाली होते हुए बड़ा फुवारा, अंधेर देव, करमचंद चौक, मालवी चौक और फिर मालवी चौक से फिर बड़ी फुवारा और मिलोनीगंज में समापन महाआरती, और महाआरती के बाद जो है अपना भोजन प्रसादी का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें कि हमारे जगत गुरु सुखानंद देवाचार्य, राघव देवाचार्य जी उसमें प्रमुखता से शुरू से अंत तक उसमें रहेंगे। और मैं हिंदू समाज से यही चाहता हूँ कि वो अपने धर्म को पहचाने, और आज पूरा विश्व उसकी सराहना कर रहा है। आज कहीं ना कहीं हमारे धीरेन्द्र शास्त्री भी जो है उस क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और उनको लोगों ने बहुत प्रयास किया उनको कहीं ना कहीं तोड़ने का, पर सत्य कभी झुकता नहीं है। ये सनातन की व्यवस्था है जो सत्य सनातन, इसीलिए इसको सत्य सनातन धर्म बोला जाता है, और आज वो कहीं ना कहीं चरम पर है और हम वो समय बहुत दूर नहीं है जब हम विश्व गुरु के पटल पर एक बार फिर पूरे विश्व में छाएंगे और भगवा ध्वज फहराएगा। मैं सभी हिंदू वासियों से, अपने नगर वासियों से और देशवासियों से यही
अपेक्षा करता हूँ कि वो अपने घर में एक भगवा ध्वज जरूर लगाएं और संध्या काल नवरात्रि के दिन है अपने द्वार पर दो दीप जलाएं। मैं अपनी ओर से, नारायणी सेना परिवार की ओर से, सभी की ओर से आप सभी को क्षेत्र नवरात्रि वर्ष प्रतिपदा 2080 की हार। जबलपुर से खबर समय जगत के लिए पंकज जैन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।